शाशुक्ता दरगाह यहाँ पर जो ईदगाह बनी हुई है, हमारे ख्वाजा भाई ने उसका अच्छी तरह से इंतज़ाम किया है नमाजियों के लिए। और ईद अज़हा या ईद उल फितर की नमाज पढ़ना ईदगाह में अफजलियत है, इसलिए ईदगाह का रुख कीजिए। और यहाँ अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मैदान सूखा है, बारिश का भी इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ बारिश रुकती नहीं है, पूरी खड़क बिछी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम है, लाइट का, स्पीकर का, उसका,
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, कल सुबह 8 बजे यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए ईदगाह शाह शौकत रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कल ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की जमात यहाँ पर नमाज होगी, और जो भी अतराफ के जितने भी आने वाले लोग हैं उनका अभिजन गुजारिश करते हैं हम कि भाई वक्त पे नमाज होगी, यानी रमज़ान की ईद के वक्त भी ऐसा हो गया है कि एक रकात जाने के बाद काफ़ी लोग रास्ते में आते रहे, उनको दूसरी तरफ जाना पड़ा या फिर उनकी नमाज भी नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह ये ईद उल अज़हा का वक्त है और ईदगाह में नमाज पढ़ना बहुत अफसल है, और इंशाअल्लाह वक्त के ऊपर जमात खड़े होगी। और आप जितने भी हजरात हैं जैसे शाह शुक्ता कॉलोनी, सादत नगर, राहुल नगर, अबरार कॉलोनी, बजाज हॉस्पिटल के पीछे का नक्षत्रवाड़ी, ईट खेड़ा, यानी काफ़ी जो लोग इधर से आते हैं उनके लिए भी इतला है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जमात जो है 8 बजे फौरन खड़े हो जाएंगी, और आने के लिए भी काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पर है, और ईदगाह के अंदर अच्छा इंतज़ाम है, चिकड़ वगैरह नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई बारिश होगी बहुत चिकड़ होगा, हम नज़दीक मस्जिद में पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ पर इंतज़ाम अच्छा है। और ख्वाजा भाई जो माजी नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और इस ईदगाह और ईदगाह कमेटी के सदर भी है, इंशाअल्लाह इनकी मेहनत से अच्छा काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पे हो रहा है, और इंशाअल्लाह अभी और 12-24 घंटे अपने पास इंतज़ाम के लिए है, काफ़ी मेहनत हो रही है। तो फिर मैं एक बार आने वाले लोगों से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द आए और 8 बजे इंशाअल्लाह जमात खड़े हो जाएंगे। आज ईद उल अज़हा की क्या क्या तैयारियां? अल्लाह का एहसान है, हर साल की तरह इस साल भी हजरत शाह शुक्ता मियां ईदगाह के ऊपर हमारी पूरी मुकम्मल पूरी तैयारी है, और अल्लाह का करम है कि इतना पानी होने के बाद भी कहीं हमारे पास यहाँ पे चिकन नहीं है। कुदरती हरियाली अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से, कितना भी पानी गिरा भी तो यहाँ नमाज हो सकती। तो मेरी शहर औरंगाबाद वालों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हजरत शाह शुक्ता मियाँ हर ईदगाह के अंदर जाइए, क्योंकि साल में 2 ही ईद होते, एक रमज़ान और एक बकरीद, और हमेशा अपन तो नमाज महले में जामा मस्जिद में पढ़ते, मगर ईदगाह का बहुत से ज़्यादा फजीलत है। कुर्बानी को तो आप लोग को 3 दिन अल्लाह ने टाइम दिया, कुर्बानी तो आप लोग 3 दिन करना है, पर ईद जो टाइम हमने यहाँ पे 8 बजे रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इंशाल्लाह हजरत शाह शुक्ता में आएंगे। हमारे पास पार्किंग का भी बहुत माकूल इंतज़ाम हमने रखा है, करा है। फिर इसके बाद में ये बाजू से भी पूरा हमने पूरे पार्किंग बना लिए, और 2 ही रास्ते आने के लिए, एक हमारे कब्रिस्तान की तरफ से और यहाँ पे, और सेफ्टी भी बहुत है। और पार्किंग के लिए 2 मिनट में आदमी पार्किंग में अंदर आके पार्किंग से, पार्किंग का हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सहूलत है, और हर साल की तरह ये साल भी इंशाल्लाह। नमाज का टाइम क्या है सर? 8 बजे हमने ईद की नमाज का टाइम रखा है, सवेरे 8 बजे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।